It's a love story that is written in a page-turner thriller way. It has from the time it begins till I think the 15th episode, everything you see in the first 15 episodes goes for an absolute turn after the 15th episode, and this is the format that continues through the show. It's probably the most riveting story I've done in a long time. I think I and Manisha were discussing the fact that we were going to do, don't shoot me, that we were going to do a nice thriller, because television has seen supernatural, television has seen love stories, television misses a typical nice fiction thriller that makes you come back day on day to see what's going to happen next and how, which character will turn and which character will turn out to be great. मुझे बताती है, बचाती है फ्रॉम एवरीथिंग रॉन्ग. आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर मदर्स इज व्हाट आवर कवचेस आर, एंड थैंक गॉड फॉर हर. कुछ पता नहीं होता है, हम पूरी कोशिश करते हैं फिर शो नहीं चलता तो बहुत बुरा लगता है. तो एक्सपेक्टेशंस करना मे बी आफ्टर सो लॉन्ग थोड़ा बहुत मैंने कम कर दिया है, बट आई डू होप कि इतनी जो मेहनत की है टीम ने, 6 महीने बनाने में, आई होप लोगों को पसंद आए. दैट्स ऑल आई होप, यू नो. कवच लगा कि इंडिया में, आई मीन नॉट दैट वी हैव इवन 100th ऑफ, सॉरी 1/200 द बजट्स ऑफ व्हाट अदर पीपल हैव, बट एटलीस्ट वी शुड अटेम्प्ट. एंड दिस वाज माय चांस एट डूइंग समथिंग व्हिच इज डिफरेंट, एंड वी ट्राई टू ब्रिंग बोथ द कास्ट इन, बिकॉज वी हैड लेफ्ट मॉनी स्टोरी. सो आई कॉल्ड हर अप, रिक्वेस्टेड हर, एंड शी अग्रीड, एंड शी वाज विलिंग टू कम एंड सॉर्ट हर स्टोरी आउट. सो द लास्ट 4 एपिसोड विल बी एब्सोल्यूट धमाका होने वाला है. 4 एपिसोड बहुत कम कर रही हूँ आजकल ज़्यादा काम क्लोई कर रही है. मेरे घर के ड्यूटीज बढ़ गए हैं, तो क्लोई हैज़ टेकन ओवर एंड शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क फॉर मी. आई जस्ट कम इन टू ओवरऑल लुक एट द शो एंड सपोर्टेड, एंड कम इन ओनली व्हेन इट्स इन अ प्रॉब्लम. बट मेरी टीम जो है बहुत अच्छा काम करके उसे सॉर्ट कर रही है. नागिन के लास्ट जो 4 जो एपिसोड है, सालों बाद मैंने खुद बैठ कर विद द राइटर्स एक शो लिखा है. सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट. इस शो में नाम मुझे संध्या मिला, तो पहले से ही सेंटर संध्या नाम था. और जब मैं शूटिंग हुई, एंड देन आई गेट टू नो 2 दिन पहले शूटिंग से कि संध्या ही है, तो मुझे यही सोचा कि गॉड का एक अच्छा. और जो मेरी ऑडियंस संध्या, पहला सीजन बहुत अच्छा था, और उसी तरह से सेकंड सीजन भी, मतलब मैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग फ्यूजन्स हैं, एंड देन वो अपनी फैमिली के लिए कैसे कवच बनेगी, तो और विद सुपरनैचुरल थिंग्स एंड घोस्ट एंड एवरीथिंग, तो अगेन बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं रास्ते में, और उसको कैसे वो चैलेंजेस को लेती है एक सिंपल लड़की. तो बहुत अमेजिंग है स्टोरी लाइन के साथ आ रहा है. हॉरर शो है और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो लोगों को बहुत पसंद आएगा. और मैं आशा करता हूँ कि हमारी ऑडियंस जो है शो को पसंद करे, हमारे कैरेक्टर्स को पसंद करे. मैं इसमें कपिल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि नमिक यानी अंगद जो प्ले कर रहे हैं उसका फ्रेंड है. और इतना ही कह सकता हूँ, बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है और बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है, जो कि ऑडियंस को पसंद आएगा फॉर श्योर. फर्स्ट पार्ट अच्छा गया, सेकंड पार्ट तो देखिए, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल अच्छा गया. और प्रेशर ऐसा तो मैं क्या कहूँ, देखिए एज एन एक्टर हम 100% दे सकते हैं अपना, एंड हम जो हम कर रहे हैं पूरी मेहनत, और आई एम श्योर बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन इज सो गुड, कैरेक्टर्स आर सो गुड, दे आर सो अमेजिंग, तो ऑडियंस को 100% पसंद आएगा और नंबर्स तो आ ही जाएंगे. बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बहुत ही अच्छा शो है. बालाजी में वापस से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ. कलर्स बहुत ही अच्छा चैनल है, तो आई थिंक मेरे पास सारे रीजंस है बहुत ही खुश और बहुत ही एक्साइटेड होने के. शो की मैं बात करूँ तो इट्स बेस्ड ऑन अ लव स्टोरी, बट इट्स अ थ्रिलर, इट्स अ मिस्ट्री शो, तो बहुत सारे एलिमेंट्स अनफोल्ड होंगे. सस्पेंस है, जब आप ऑडियंस जो एक्सपेक्ट कर रही होगी वो उनको नहीं मिलेगा. बहुत सारे सीक्रेट एलिमेंट्स हैं, तो आप लोग को देखने में बहुत ही मज़े आएंगे. आई एम प्लेइंग, माय कैरेक्टर नेम इज़ बानी, एंड रघुबीर एंड बानी बहुत प्यार में हैं, लेकिन आप लाइफ में जब आपको अपनी सबसे कीमती चीज़ मिल जाती है, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कभी कभी कि आपसे छिन जाती हैं वो चीज़ें, और लेकिन फिर भी ज़िंदगी है, चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है. तो कैसे उस चीज़ से डील करता है रघुबीर, उसके डिफरेंट फेजेस आते हैं, क्या वो मूव ऑन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, क्या कोई और आएगा, सो ये सब आपको हमारे शो में देखने को मिलेगा.